लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी की राजनीति में इस समय बीजेपी के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में झटका लगा, अब चुनाव के बाद अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। पहले नेता कार्यकर्ता ही सवाल उठा रहे थे, पार्टी आलाकमान को खत लिखकर हार की वजहें बता रहे थे। इसके बाद अब बात बड़े नेताओं तक भी पहुंच गई है। साथी दलों के प्रमुख तो सवाल उठा ही रहे थे, अब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम में ही खटपट की सुगबुगाहट है। और इन्हीं खबरों और दावों के बीच यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए, जिससे इन दावों को और बल मिलता है। और तो और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में ही है। ऐसे में दोनों नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की चर्चाएं। केशव का दिल्ली जाना कई मायनों में खास है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि सरकार और सत्ता से बड़ा संगठन होता है। ऐसा माना गया कि बिना नाम लिए केशव प्रसाद ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। उसी के बाद से चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी का ही एक धड़ा उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहा है। दरअसल रविवार को लखनऊ में बीजेपी ने हार और जीत को लेकर मंथन किया था। परफॉर्मेंस को लेकर हर की पॉइंट को ढूंढने की कोशिश की गई थी। यूपी के सीएम ने भी अपना संबोधन दिया, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान खासा सुर्खियों में रहा। केशव प्रसाद ने मीटिंग में कहा कि वो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बाद में डिप्टी सीएम का ओहदा है। संगठन हमेशा बड़ा था और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने हलचल मचा दी। सवाल ये है कि केशव मौर्य के इस बयान के मायने क्या है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। जिस समय केशव मौर्य ने यह बयान दिया, उस दौरान मंच पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के दिग्गज लीडर मौजूद थे। इस बारे में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे गौरव हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। 2027 में सपा बसपा कांग्रेस तीनों में हो जाए तो भी 300 पार दिखाएंगे। बता दें कि इससे पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी कई बार सरकार और अफसरों पर सीधे सवाल उठा चुके हैं। तो वहीं अनुप्रिया पटेल का रुख भी किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के जैसे सुर हैं, उससे तो यही लग रहा है कि यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। या फिर दिल्ली में केशव प्रसाद और जेपी नड्डा की मुलाकात बीते समय से बढ़ती तल्खियों को खत्म करने की एक पहल के रूप में है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।